वेलकम टू विजय कुकिंग चैनल में सबका स्वागत है दोस्तों। आज बनाने वाली हूँ पहाड़ी चिकन करी रेसिपी। पहले पहाड़ी मसाला बना लूँगा दोस्तों। पहले साबुत धनिया 10 ग्राम, तो 5 ग्राम तो साबुत जीरा, 5 ग्राम तो सोम और 10 से 12 पीस सूखा मिर्ची, इसमें 15 ग्राम तो अदरक इसको पीस, और गार्लिक मतलब रसुन 20 ग्राम, इतना गोल मरीच, और इसको सारे को लेके थोड़ी सी तेल डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लें। आप लोग चाहे तेल नहीं दे के इसे वो फ्राई कर सकते हैं, मेरे जल्दी चाहिए इसीलिए मैं थोड़ा तेल डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। मैं हल्का सा तेल दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, चाहे जल्दी होने के लिए, इसमें इसका टेम्परेचर अच्छा रहेगा दोस्तों, खुशबू ज़बरदस्त आएगा तेल डालने से, इसीलिए आप लोग चाहिए तो ऐसे वो कर सकते हैं दोस्तों। ऑलरेडी फ्राई हो गया, इसको एक प्लेट में डाल देंगे। प्लेट डालने के बाद ठंडा होने के बाद पीस लेंगे, सारे को डाल देंगे इस तरफ से। इसका बाद में जाएंगे चिकन को फ्राई कर लेंगे। पहले तेल डालेंगे, तेल डालने के बाद चिकन डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद तेल डाल दिए, इसका बाद में थोड़ी गर्म होने से वेट करेंगे 2 मिनट। इसका बाद में डालेंगे चिकन। चिकन में कोई हल्दी पाउडर नहीं डालूंगा दोस्तों। आप लोग वीडियो में बने रहे, देखिए बहुत किस तरफ से पहाड़ी चिकन करी बनता है। नमक डाला, नमक डालने के बाद थोड़ी सी उधर उधर करने के बाद इसका बाद में थोड़ी सी काश्मीर चिल्ली पाउडर डालेंगे, तो चिकन का कलर ज़बरदस्त आएगा और पहाड़ी चिकन करी मस्त बनेगा। देखिए दोस्तों, मैं हाफ टीस्पून काश्मीर चिल्ली डाल रहा हूँ दबा के। इसका बाद में दोस्तों इसको एक चम्मच का मदद से हिला दूंगा, मतलब उधर उधर कर दूंगा। करने का बाद इसको थोड़ी सी पकाने के बाद निकाल लूँगा दोस्तों। और चिकन हो गया, इसको निकाल लेंगे एक एक पीस करके। देखिए दोस्तों, एक चम्मच का मदद से निकाल लेंगे। आप लोगों इस तरफ से करिए निकाल लेंगे। आप लोग चाहे बड़ा कढ़ाई में बना सकते हैं, मैं तो एक पोर्शन बना रहा हूँ, इसीलिए एक छोटा सा पैन लिया, जल्दी से बना के। हम लोग वही तेल से मैं क्या करूँगा, पहले डालूँगा ऑनियन, मैं पहले से काट के रखा था 200 ग्राम, तो प्याज फाइन चॉप पूरा चॉप काट लिया था नाइस छोटा छोटा टुकड़ा में, इसको काट के वही तेल में फ्राई करूँगा। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ब्राउन कलर होगा, पूरा ड्राई हो जाएगा प्याज। देखिए आप लोग देखिए कितना मस्त लग रहा है प्याज और कलर का साथ। इसका बाद में दोस्तों ऑलरेडी फ्राई हो गया, जैसे पूरा भुन गया प्याज। इसका बाद में चॉप टमाटर फाइन चॉप बिल्कुल, इसको अच्छी तरह से पकाऊंगा। पकाने बाद इसका बाद में टमाटर थोड़ी पकाने बाद अदरक लहसुन पेस्ट तो जरूरी आया, क्योंकि मैं चिकन बना रहा हूँ दोस्तों। देखिए सर ठीक है, टमाटर रहता। इसका बाद में पहले हल्दी पाउडर, इसका बाद में डालूँगा थोड़ा काश्मीर चिल्ली पाउडर, इसका बाद में डालूँगा थोड़ी सी चिकन मसाला, नहीं तो चिकन किंग मसाला, किचन किंग मसाला डाल सकते हैं दोस्तों। इसका बाद में डालूँगा थोड़ी सी नमक हाथ अनुसार, मसाला में नमक डालना ना, मसाला जल्दी से पक जाता है, टमाटर गल जाएगा, तो नमक डाल दी। हाँ दोस्तों, अच्छी तरह से इसको फ्राई करिए, मसाला को पकाए। पकाने के बाद इसका बाद में जो मसाला रखा था वो मसाला पेस्ट करके पहाड़ी मसाला इसको डाल देंगे दोस्तों। डाल दे सारे को, इसको बाद में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे मसाला का साथ। ऐसे मिक्स कर लिए दोस्तों, कितना ज़बरदस्त आएगा देखिएगा मसाला। अभी कलर ऐसा लग रहा है, और भी सामान आएगा, आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में, बहुत मस्त कलर रहेगा, बहुत मस्त टेस्ट रहेगा वो दोस्तों। क्या मसाला अभी से जो खुशबू आ रहा है, क्या बताऊँ दोस्तों। इसको थोड़ी सी पकने के बाद इसका बाद में डालूंगा थोड़ी सी दही, 50 ग्राम तक दही यूज कर रहा हूँ मैं। दही डालने के बाद मिक्स करूँगा, इसका बाद में कलर कितना ज़बरदस्त आ जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए। इस तरह से पहाड़ी चिकन करी बनता है दोस्तों, मत आप लोग ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाएंगे और भी बढ़िया होगा, बहुत मस्त रहेगा। देखिए दोस्तों कितना मस्त कलर आ गया दोस्तों,
क्या दोस्तों, और दही का कमाल है दोस्तों। दही तो चाहिए कोई भी चिकन करी में, नॉन वेज में दही डालेगा अच्छे तरह से। इसके अंदर फ्राई हुआ चिकन को डाल देंगे दोस्तों। दोस्तों मेरा मसाला का साथ ऑलरेडी अदरक रसुन था, इसलिए और अदरक नहीं डाला था, ठीक है, आपको बताया था। अभी तो इसका बाद में डालने मसाला का पानी मिक्स करके रखा था, इसको डाल दिया जिसमें मसाला पीसा था, मसाला वाला पानी डाल दिया। इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ी तक पकाऊंगा। पकाने के बाद थोड़ी सी देखिए कितना मस्त पक रहा है, कलर हो जाए। ऊपर से हरा मिर्ची डाल सकते आप लोग का चॉइस, मैं डाल रहा हूँ हरा मिर्ची, क्यों पहाड़ी हरा मिर्ची गोटा वाला डालते हैं। मैं छोटा छोटा टुकड़ा में डाल दिए, वो देखने कितना की प्यारा आ रहा है, देखने को आ रहा है देख के लिए। इसका मतलब ऊपर से थोड़ा गर्म मसाला का पाउडर मैं यूज कर रहा हूँ। इसका बाद में इसको मिक्स कर देंगे चम्मच चिकन के साथ। इसका बाद में दोस्तों अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, दो से तीन मिनट तक डाल देंगे। इसका बाद में ढक्कन डाल के इसका लगभग 15 मिनट तक रख देंगे। तो 15 मिनट बाद ढक्कन खोल रहा हूँ। कितना मस्त कलर, खुशबू जबरदस्त, उफ क्या मस्त है दोस्तों। रोकन ऊपर आ गया, थोड़ी सी पकने के बाद चाहिए तो धनिया दे सकते हैं। मैं नहीं डाल के पूरा सीधा एक छोटा कढ़ाई में डाल के आप लोग को साफ कर रहा हूँ। आप लोग कोई खाने का है तो आ जाओ। रेसिपी पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे को शेयर कर दीजिए। तब तब बाय बाय, फिर मिलेंगे दूसरा।